ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार सरकार ने लॉकडाउन में शर्तों के साथ जन सरोकार से जुड़ी आवश्यक दुकानों को खोलने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारियों को दुकान खोलने का समय और दिन निर्धारित करने के लिए किया गया अधिकृत। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 35% पर पहुंची। अब तक 188 मरीजों को अस्पतालों से दी गई छुट्टी। और विभिन्न राज्यों से 14,951 प्रवासी कामगारों और छात्रों को लेकर आज 13 विशेष ट्रेन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। बिहार सरकार ने लॉकडाउन में शर्तों के साथ जन सरोकार से जुड़ी आवश्यक दुकानों को खोलने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि जिलाधिकारियों को दुकान खोलने के समय निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही उन्हें भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से अलग अलग समय या सप्ताह के अलग अलग दिनों में दुकान खोलने देने के आदेश के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, पंखा, एसी और कूलर की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, बैटरी और यूपीएस की दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया गया है। इन सभी उपकरणों की मरम्मत से जुड़ी दुकानें भी खुलेंगी। वहीं ऑटोमोबाइल्स और टायर ट्यूब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स की दुकान एक दिन बीच करके खोली जा सकती हैं। वहीं गैरेज, वर्कशॉप और प्रदूषण जांच केंद्रों को प्रतिदिन खोलने का निर्देश दिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की दो दुकानें प्रमंडल मुख्यालय में जबकि एक जिला स्तर पर खुलेंगी। वहीं निर्माण सामग्री की भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठानों को भी खोलने का आदेश दिया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 46 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इन सभी का प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है। अब तक सबसे अधिक मुंगेर और नालंदा के 30-30 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं सीवान के 25, बक्सर के 19, पटना के 17, कैमूर के 16 और भोजपुर के 10 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। प्रधान सचिव ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 35% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब कोरोना मामलों के दोगुनी होने की रफ्तार 9 दिन हो गई है। 22 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच मामले 4 दिन में दोगुने हो रहे थे, जबकि 15 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच दोगुनी होने की रफ्तार 7 दिन थी। उन्होंने बताया कि राज्य में 32 जिलों के 76 प्रखंड कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। श्री कुमार ने बताया कि अब तक 9,54,00,000 से अधिक लोगों का सर्वे किया जा चुका है। इस दौरान 3,819 ऐसे लोग मिले हैं जिनमें सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण थे। उन्होंने बताया कि संदिग्धों के नमूने भी एकत्र किए जा रहे हैं। इधर प्रदेश में आज कोविड-19 के 6 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 541 हो गई है। आज जो नए मामले सामने आए हैं उसमें पटना से 2 और पूर्णिया, शिवहर, कैमूर तथा मधुबनी से 1-1 मामले हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक जो मामले पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें 65 प्रवासी श्रमिक हैं। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 49,391 हो गई है। इनमें से 14,183 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 1,694 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा है कि गया में कोरोना संक्रमण का सिर्फ एक सक्रिय मामला होने के बाद जिले को रेड जोन में क्यों रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। गौरतलब है कि गया में 6 संक्रमित मिले थे, जिनमें 5 स्वस्थ हो चुके हैं। देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों और छात्रों को लेकर आज 13 विशेष ट्रेन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंची। इन ट्रेनों से 14,951 मजदूर और छात्र बिहार पहुंचे हैं। राजस्थान से 2 और गुजरात से 1 ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची। वहीं गुजरात से 2 अन्य ट्रेनें बरौनी जंक्शन और 1 ट्रेन सीतामढ़ी पहुंची है।
महाराष्ट्र से दो ट्रेनें दरभंगा जबकि एक अन्य ट्रेन सहरसा पहुंची। वहीं राजस्थान से दो ट्रेन कटिहार और तेलंगाना से चली एक ट्रेन खगड़िया पहुंची। दूसरी तरफ कर्नाटक से एक ट्रेन दानापुर पहुंची है। इधर कल 24 ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार पहुंचेंगी। इनमें से सबसे अधिक 8 ट्रेन गुजरात से आ रही हैं। वहीं 5-5 रेलगाड़ियां महाराष्ट्र और तेलंगाना से जबकि 3 राजस्थान से आ रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हरियाणा और केरल से भी एक एक ट्रेन कल बिहार पहुंचेगी। इन ट्रेनों से 28,467 यात्री आ रहे हैं। इधर कोटा से मुजफ्फरपुर पहुंचे कुछ छात्रों ने आकाशवाणी से बातचीत में प्रसन्नता जताते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। मैं अभिलाषा कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार की निवासी हूँ। मैं कोटा में बहुत दिनों से फंसी हुई थी। बिहार सरकार और भारत सरकार ने इसलिए हमारी मदद करके ट्रेन प्रोवाइड करके हमारी बहुत मदद की है। इसके लिए मैं बिहार सरकार और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं बीरू राज मुजफ्फरपुर 09 निवासी। मैं कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था, वहाँ काफी दिक्कत हो रही थी। मेज वगैरह से खाना वाना का दिक्कत हो रहा था, मेज बंद हो गया था और सरकार ने मुझे बुला लिया यहाँ वापस बिहार के लिए। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बधाई। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेलंगाना से आए 1,240 श्रमिकों की स्क्रीनिंग के दौरान 18 संदिग्ध पाए गए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है। ये सभी सीतामढ़ी और अररिया जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों के कौशल सर्वे का काम शुरू कर दिया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इसके लिए एक ऐप विकसित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था स्किल सर्वे कराने के लिए, तो ऐप डेवलप कर उसके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से यह कार्य किया जा रहा है। और एक बार जब यह डाटाबेस हो जाएगा तो हम लोग जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनकी क्षमताओं का बहुत बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव ने बताया कि सरकार मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को काम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। श्री कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कोरोना महामारी से निपटने में जिला प्रशासन ने स्थानीय विधायकों की राय मांगी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 39 करोड़ गरीबों को 34,800 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लाभार्थियों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए इस काम में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। पीएम किसान के तहत 16,394 करोड़ रुपए की पहली किस्त किसानों को जारी की गई, जिससे 8,19,00,000 किसान लाभान्वित हुए। वहीं पहली किस्त के रूप में 10,000 करोड़ रुपए की राशि 20 करोड़ महिला जनधन खाते में जारी की गई, जबकि दूसरी किस्त में 2,785 करोड़ रुपए 5,57,00,000 महिला जनधन खाते में इस महीने जारी की गई है। वहीं बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगजनों को 1,405 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। वहीं 2 करोड़ से अधिक बिल्डिंग एवं निर्माण कामगारों को 3,492 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। अप्रैल माह में 30 लाख मीट्रिक टन अनाज 60 करोड़ 33 लाख लाभार्थियों को वितरित की गई है, जबकि इस महीने में अब तक 6 लाख मीट्रिक टन अनाज 12 करोड़ 39 लाख लाभार्थियों को दी गई है। इसके अलावा 2,42,000 मीट्रिक टन दालों का भी वितरण राज्यों को किया गया है और इससे 5 करोड़ 21 लाख लोगों को लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की गई है और 4 करोड़ 42 लाख सिलेंडर लाभार्थियों को मुफ्त वितरित की गई है। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लगभग 9,60,000 सदस्यों ने अपने अपने खातों से लगभग 3,000 करोड़ रुपए की निकासी की। मनरेगा योजना के तहत लगभग 6 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन किया गया और राज्यों को इस मद में खर्च के लिए 21,032 करोड़ रुपए जारी किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने 22 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 137 लाख टन से अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति की जा चुकी है। उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि लगभग 6 लाख टन अनाज पूर्वोत्तर राज्यों को पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने खुला बाजार बिक्री योजना के माध्यम से 4,50,000 टन गेहूं और 5,61,000 टन चावल की बिक्री की है।
राहत शिविर चलाने वाले गैर सरकारी संगठन और सामाजिक संस्थाएं इस योजना के तहत तय की गई दरों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से सीधे गेहूं और चावल खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत चावल 22 रुपए प्रति किलो और गेहूं 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए कुल 104 लाख टन से अधिक चावल और 15 लाख टन से अधिक गेहूं की जरूरत होगी। इसमें से 59 लाख टन से अधिक चावल और 8 लाख टन से अधिक गेहूं विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता से आम लोग काफी खुश हैं। आकाशवाणी से बातचीत में कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। हमर प्रदेश का नाम छी, हमर देखुआ घर छी, हमरा जे छै 70 किलो चावल या गेहूँ भेटल, खाता में 1000 रुपया फ्री आयल हम गैस का और 2000 रुपया जे छै सरकार जे छै खेती के वाला देलक। हाँ, सरकार का हम धन्यवाद दे छी। मैं इस्लाम नगर में रहती हूँ, मोदी सरकार तरफ से आया पैसा ही है से, और इलाहाबाद बैग से मैं निकाल के लेके चले गए सरकार तरफ से, मुझे तकलीफ का पैसा, मैं पैसा लेके चले गए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मेरा नाम लड्डू महतो है, वैशाली जिला रामपुर असुरार के रहने वाले। प्रधानमंत्री जी के तरफ से 40 किलो अनाज भेटा है, हम लोग खा रहे हैं घर में अच्छा से रह। केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि और आगे बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी ऑडिट और वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर 2020 कर दी है। सरकार ने 24 मार्च को या उसके पहले के सभी ई वे बिल भरने की तिथि भी 31 मई तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए स्वदेश वापसी उड़ान गूगल फॉर्म जारी करने की खबरों का खंडन किया है। सरकार ने इस गूगल फॉर्म से जुड़े व्हाट्सएप संदेश को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई फॉर्म जारी नहीं किया है, लोगों को इस लिंक पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी गई है और दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही पंजीकरण कराने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप में डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का कोई मामला नहीं पाया गया है। एक एथिकल हैकर द्वारा ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताए जाने के बाद सरकार का यह स्पष्टीकरण आया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जन सहयोग की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। कोविड-19 जो हमारा फैल रहा है वो पॉजिटिव पेशेंट से दूसरे पॉजिटिव पेशेंट्स को जब हम कांटेक्ट रहते हैं, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम इसको देखें कि हमारे फ्यूचर में ये कैसे स्प्रेड होने वाला है, तो वो बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा लॉकडाउन कैसा रहता है, सोशल आइसोलेशन कैसा रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रहता है। तो हमारा जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो पीक आएगा, जो एक नंबर ऑफ सर्ज ऑफ केसेस आएगा, वो एक फ्लैट हो सकता है। फ्लैट कहने का मतलब कि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर ये सारे जो हम प्रिकॉशंस हैं इसको पूरी तरह से पूर्णते हैं, हम सभी लोग उसमें सहयोग करें और उसको माने। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 1849 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं, वहीं 1884 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक 13,33,00,000 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है, जबकि 59,000 से अधिक वाहन भी जब्त किए गए हैं। कटिहार ऋषि भवन क्वारंटीन सेंटर से भागे 10 लोगों को आजम नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला पदाधिकारी कमल तनुज ने बताया कि ये मजदूर गत 4 मई को सेंटर से भाग गए थे। इन सबके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। हंदवाड़ा में शहीद सीआरपीएफ के जवान संतोष कुमार मिश्र का आज औरंगाबाद जिले के देवहरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में लोग संतोष कुमार मिश्र अमर रहे के नारे लगा रहे थे। शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के आईजी, जिलाधिकारी, स्थानीय विधायक मनोज कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से गया हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इधर सिक्किम के गैंगटोक में शहीद पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया के बेखरा निवासी सेना जवान पिंटू चौरसिया का आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बिहार सरकार ने लॉकडाउन में शर्तों के साथ जन सरोकार से जुड़ी आवश्यक दुकानों को खोलने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारियों को दुकान खोलने का समय और दिन निर्धारित करने के लिए किया गया अधिकृत। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 35% पर पहुंची। अब तक 188 मरीजों को अस्पतालों से दी गई छुट्टी। और विभिन्न राज्यों से 14,951 प्रवासी कामगारों और छात्रों को लेकर आज 13 विशेष ट्रेनें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।